नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जो क्वेश्चन नंबर टू है वो ये है कि फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग को लाइक फ्रैक्शन समझा देना पसंद करूंगा कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। लाइक फ्रैक्शन हम लोग उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम हो, लाइक दैट 1 by 3, 2 by 3, 4 by 3, 5 by 3। ये 3, 3, 3, 3 जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम होना लाइक फ्रैक्शन कहता है। और हम लोग 1 by 4, 2 by 3, 4 by 5, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन, ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होता है कि लाइक फ्रैक्शन में है या नहीं है। है तो ठीक, और नहीं है तो इसे कन्वर्ट करना होता है लाइक फ्रैक्शन में। आप लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो जानते ही होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेरा जो लाइक फ्रैक्शन है वो तो है, यानी मुझे इसमें नहीं करना है। तो 3 by 5 and 4 by 5 को मुझे निकालना है, इनके बीच का 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर? 5 रेशनल नंबर। तो हम लोगों ने यहां पर 5 रेशनल नंबर लिख दिया है। 5 रेशनल नंबर हम लोग यहां से निकालेंगे। तो क्या हमने माना? सब मैंने बताया था कि बड़ा, तो 3 by 5 अगर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो बड़ा ऊपर वाला जो होता है वही बड़ा होता है। तो 4 by 5 बड़ा है, यानी वाई मेरा 4 by 5 होगा और एक्स मेरा 3 by 5 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये वाई हमेशा बड़ा होना चाहिए। n+1 यानी मेरा n क्या है? 5 और +1, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तो आई थिंक 6 ही आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि 3 by 5 को हम लोग क्या करते हैं 6 by 6। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि 6 by 6 लिखना क्यों जरूरी है, तो 6 3 जा क्या होगा 18 और 6 5 जा होगा 30, 4 6 जा 24 और 6 5 जा 30। अब इनके दोनों के बीच में हमारे 5 ऐसे रेशनल नंबर हैं जिसको हमको फाइंड करना है। तो वो रेशनल नंबर कौन कौन है? तो भाई 18 के बाद 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30। अब ये जो हमारे 5 रेशनल नंबर हुए यही हमारे क्या हुए? आंसर। यही हमारे क्या हुए? आंसर। हमारा आंसर यही तक है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको तोड़ कर लिखे तो आप तोड़ कर भी लिख सकते हैं और यहां भी आंसर लिख सकते हैं। तो भाई ये तो टूटेगा नहीं, बिकॉज बोथ आर, नहीं टूट सकता क्योंकि एक ऑड है और एक इवन है। तो यहां पर बात यह है कि इसको तो तोड़ा जा सकता है भाई, 20 by 30 को तोड़ा जा सकता है कैसे? तो दोनों जीरो को काटकर, यानी 2 by 3। 21 by 30 को तोड़ा जा सकता है किस फॉर्म में? तो 3 के टेबल में 7 बार में, 3 टेबल में 10 बार, यानी 7 by 10। यहां भी 2 के टेबल से 2 जा 11, 11 2 जा 22, 11 के टेबल से और 2 के टेबल से कटा देंगे हम लोग, 11 by 15 by 23 और 30, ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरीके से ये जो हुआ हमारा आंसर हो गया। और यहां मैंने रफ किया है, आई थिंक कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और ये मैंने एक ही तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है, उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है अगर आप चाहें तो। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने का, और उस तरीके से भी, क्योंकि आपको जितने ज्यादा तरीके आएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूं। जैसा कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स क्या है? वो स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू या फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको आंसर्स देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन ये कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? तो नेचुरल नंबर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर कहते किसके? ऑल काउंटिंग नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। तो भाई ऑल काउंटिंग नंबर में 1, 2, 3 .. और भी, तो ये सब जो है। और होल नंबर किसको कहते हैं? भाई होल नंबर कहा जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर
अलोंग विथ जीरो, जो जीरो के साथ हो, यानी जीरो वन टू थ्री फोर डॉट 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 डॉट, ये सब होल नंबर है। तो देखने वाली बात ये है, यहां पर जज करने वाली बात ये है कि इसमें क्या नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है, तो भाई इसके पास एक्स्ट्रा है, ये सब वन है टू है थ्री, और इसमें आ जा रहा है वन टू थ्री, इन दोनों में आ जा रहा है। तो इस केस में आने का मतलब ये सब क्या कहलाएंगे, इसके अनुसार होल नंबर कहला जाएंगे। तो एवरी नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू होगा। आई थिंक कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ रही है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर कहा जा सकता है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि एवरी इंटीजर, इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर उस संख्या को कहा जाता है, वैसी संख्याओं को, वैसे नंबरों को कहा जाता है जो पॉजिटिव के साथ साथ जीरो और जीरो के साथ साथ निगेटिव को भी रखते हो, यानी पॉजिटिव भी आओ, जीरो भी हो और निगेटिव भी हो, जैसे उसमें माइनस वन, माइनस टू, जीरो वन टू, ये सब को इंटीजर्स कहा जाता है। तो भाई बोल रहा है कि एवरी इंटीजर जो होल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, तो भाई जीरो से तो केस पता समझ में आता है कि जीरो वन टू थ्री ये सब तो होल नंबर हैं, लेकिन माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री ये तो होल नंबर क्या है, नहीं है। ये जब माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री होल नंबर नहीं है, तो हम लोग इंटीजर, पूरे इंटीजर को कहा कैसे सकते कि ये होल नंबर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री ये कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। भाई प्रत्येक रेशनल नंबर क्या है कि वो होल नंबर होना चाहिए, प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये बात सही है, कहां तक सही है, तो देखा जाए। मैंने अगर कोई नंबर लिख दे रहा हूं वन टू थ्री फोर, रेशनल नंबर की भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, यानी इसके नीचे भी मैं कुछ लिख दे रहा हूं, तो ऐसे नंबरों को तो हम लोग होल नंबर कहते नहीं है, हम लोग होल नंबर कहते किसको है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, यानी कि रेशनल नंबर लिखा गया है। हम लोग होल नंबर कहते हैं जबकि केवल वन टू थ्री फोर, इसके नीचे भी छुपा होना चाहिए केवल वन, इसके नीचे भी होना चाहिए केवल वन, जो कि ऐसा होता नहीं है, और इस प्रकार से होता नहीं है, केवल वन हो सकता है, तो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख नहीं पा रहे। तो ऐसे केसेस में रेशनल नंबर को होल नंबर कहना बिल्कुल गलत होगा, और इसलिए क्या होगा, फॉल्स। और यहीं पर आपका टोटल एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गया। तो प्लीज आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।